प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैंगन की टेस्टी सब्जी बनाएंगे। तो हमने 500 ग्राम बैंगन को इस तरीके काट लिए हैं छिलके सहित, और आलू 250 ग्राम काट लिए हैं, 3 मीडियम साइज टमाटर ले लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट लिए हैं, 8-10 कलियाँ लहसुन का छिलका उतार के बारीक काट लिए हैं, थोड़ा सोया ले लिए हैं, इनको भी बारीक काट लिए हैं, और ये पालक है 1 गड्डी, इनको भी काट लिए हैं। 1 चम्मच मेथी का दाना तड़का लगाने के लिए चुटकी भर हींग डालेंगे। ये मसाला है सब्जी मसाला, 1 चम्मच मसाला डालेंगे सब्जी में, हरा धनिया से गार्निश करेंगे। तो आइए गैस की तरफ चलते हैं। ये हम गैस जला दिए, कढ़ाई रखेंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल काफी गर्म हो चुका है, मेथी के दाने डाल देते हैं, चुटकी भर हींग डाल देंगे। अब इनको चटकने देंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। मेथी के दाने चटकने लगे हैं, अब कटे हुए लहसुन और अदरक डाल देते हैं। लहसुन का भी कलर चेंज हो गया है, अब आलू डाल देते हैं। दो मिनट के लिए ढक के रख देते हैं हाई फ्लेम में। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे, आलू को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। अब बैंगन डाल देंगे, आलू बढ़िया से फ्राई हो चुका है। स्वाद अनुसार इनको भी अच्छे से मिलाएंगे। दो मिनट के लिए ढक के रख देते हैं मीडियम फ्लेम में। 2 मिनट हो चुके हैं, बैंगन के भी कलर चेंज हो गया है, तो अब पालक डाल देते हैं, सोया डाल देंगे। इनको भी अच्छी तरीके मिक्स करेंगे। एक चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 मिनट तक इनको भून लेते हैं मीडियम फ्लेम में। अब इनको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे मीडियम फ्लेम में, ताकि बढ़िया से थोड़ा पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए पालक और सोया से पानी निकलने लगा है, हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जी में डालने की। 1 चम्मच लाल तीखी मिर्च डाल देते हैं, कटे हुए टमाटर डाल देंगे, इनको भी मिला देते हैं। अब इनको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि टमाटर बढ़िया से पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं टमाटर को, टमाटर बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो गया है, आलू भी पककर तैयार हो गया है। नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके कलछुल से आप चेक कर लीजिए। इनको 2 मिनट तक और बढ़िया से थोड़ा पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी बनके तैयार हो गई है। आलू बैंगन की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। आप इसे चावल पूरी पराठा के साथ सर्व करिए। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो आज की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों? हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं।
कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स बताइए, कोई गलतियाँ हो माफ़ करिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए कितना टेस्टी, कितना बढ़िया सब्जी, जितना दिखने में अच्छी दिख रही है उससे कई गुना खाने में इसका बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।